नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हैं, जहां से आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पे हैं। और आज 6 महीने बाद सांसद संजय सिंह की जमानत होती है। जमानत पे हम आज उनके घर पे बैठे हुए हैं और बात करेंगे उनके पिताजी से कि क्या महसूस कर रहे हैं वो। उनके पिताजी, क्या नाम है चाचा आपका? दिनेश कुमार सिंह। आज 6 महीने बाद सांसद जी छूट रहे हैं, इस पे क्या रोष है आपका? ये एक जिस तरह की आस्था हम लोगों को न्यायालय के प्रति थी कि आज नहीं कल, सत्य में समय लग सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। संजय की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को हुई थी। संयोग से मैं 3 को दिल्ली उसकी आवाज़ पर गया था और सुबह की एक घटना थी, तो आई वॉज फिजिकल विटनेसर ऑफ दैट इवेंट्स। मैंने सब देखा समझा, दिन भर कार्रवाई चलती रही, सहयोग करता रहा। उन सबों को तलाशी के बाद कुछ मिला नहीं और आपस में उन सबों को ये महसूस हो रहा था कि जैसा कुछ सुना था वैसा कुछ यहाँ पर जांच के दौरान कोई चीज़ मिली नहीं। अचानक हेडक्वार्टर से कोई सीनियर ऑफिसर का फोन आया होगा जो मैंने चेहरे से पढ़ा। उसके बाद आपस में लोग डिस्कशन कर रहे थे, घंटों मैंने वेट किया। उसके बाद मैंने कहा, ये आप लोगों के एक्टिविटी ये बताती है कि यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाई योर सीनियर ऑफिसर टू अरेस्ट संजय, तो प्लीज डोंट किल आवर टाइम, डोंट किल आवर टाइम। और मैं अपनी तरह से आप लोगों के आने पर कहा था, आज दिन, आज रात, कल दिन, कल रात फुल एंड फाइनल इंक्वायरी आप कीजिए, लेट यू गो टू रिकवर, मैं अपने बच्चे को आपको हैंड ओवर कर दूंगा। जब पंचनामा लिखा जा रहा था और वो लेट लतीफी हो रही थी, सुबह से हम लोग परेशान थे, सबके फोन रख लिए गए थे। मैंने कहा उस अधिकारी से जो पंचनामा लिख रहा था कि आप कृपया लिखे और अपने सीनियर अधिकारी की बात मानिए और मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ अपने बच्चे को, सच्चाई होगी, बेटा मेरा छूट के आवेगा और सत्य की जीत आज हुई। कितना भरोसा आपको था, क्या कहते हैं, न्यायालय पे, इस चीज़ को आप हमें बताएं। न्यायालय विगत कई महीनों से न्यायालय के प्रति जो जनता का विश्वास टूट रहा था उसके प्रति परमादरणीय डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो CGI है सुप्रीम कोर्ट के, और जिस तरह के वो न्यायपूर्ण निर्णय सुनाते हैं, समय लगता है, चाहे वो चंडीगढ़ का केस हो, चाहे अभी EVM पर उनका फैसला आया है VVPAT को लेकर के, इस सारे निर्णय एक जनमानस जो आशा लगाए हुए था, उसकी आस्था थी, ये सब निर्णय सुन करके उसके मन में न्यायालय के प्रति अब विश्वास जगने लगा है। तो और भी आप पार्टी के लोग जो है जेल में बंद हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे, कहेंगे? मुझे उम्मीद है सबके सब, वो एक पॉलिटिकल स्कैंडल है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। और मुझे उम्मीद है कि ये सब अंडर प्रेशर काम हो रहा है। 2 साल हो गया सत्येंद्र जैन को, कोई रिकवरी नहीं मिली। मैं भी संजय की MPML कोर्ट में जाता था, ED अपनी रिमांड करती थी, माननीय न्यायाधीश महोदय पूछते थे कोई साक्ष्य दो, कहते थे किसी ने बयान दिया है, तो जनप्रतिनिधि के घर पर बहुत से लोग आते हैं और किसी को कह दिया जाए कि हाँ इन्होंने ऐसी बेईमानी की है, तो ठीक है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन 6 महीने का, साल भर का समय बहुत होता है, यू प्लीज गो एंड पुट ऑफ योर एविडेंस बिफोर कोर्ट। और आज 6 महीने तक, 4 अक्टूबर की गिरफ्तारी है, 6 महीने तक कोई कॉन्क्रीट साक्ष्य नहीं दे पाए। उस पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया और मुझे उम्मीद है कि बेल से संबंधित जो फॉर्मेलिटीज होती है
वो फॉर्मेलिटीज कल फुलफिल हो जाएंगी। मैं कल ही जो है अभी दिल्ली से इंडिया अलायंस की मीटिंग को अटेंड करके 9 बजे रात पहुँचा था, गांव चला गया था और अचानक 2 बजे मुझे पता चली कि बाई गॉड्स ग्रेस हिज बेल हैज बीन रिकमेंडेड टू बीइंग ए फादर इज देयर अंडर ग्रिप ऑफ शैडो। और हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से गांव से मैंने प्लान बनाया और बाई टुमारो आई एम स्टार्टिंग फॉर दिल्ली। तो ये थे राज्यसभा सांसद संजय गांधी के पिताजी, संजय सिंह के पिताजी, माफ़ करिएगा, संजय सिंह के पिताजी। और इनको न्यायालय पे पूरा भरोसा था, जैसे कि ये अभी आपको बता रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है। सुल्तानपुर से महेश शर्मा आज